रिसर्च हमारी टीम ये कहती है कि नंबर्स वीक हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे खराब नंबर्स आए हैं। सर एक बार आपका टेक। डीपी, दो बैंक निजी क्षेत्र की छोटी मझौली ऐसी है जहां पर नतीजों को लेकर के दिक्कतें बहुत सारी हैं। एक तो आपने कहा बराबर, आपकी टीम ने और आपने, आरबीएल बैंक, और दूसरी है बंधन बैंक। ये दोनों ने ही मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आईपीओ आया, जिस प्रकार के ऊपरी स्तर थे और फिर जिस प्रकार से खबरें आई कुछ बैंकों में मैनेजमेंट के बदलाव को लेकर के, कुछ बैंक में यानी कि आरबीएल जैसे बैंक में कुछ कामकाज को लेकर के दिक्कत आई। लेकिन सबसे पहले अनिवार्य होगा हमारे लिए कि हम डिस्क्लोजर देते हैं कि दोनों ही बैंक के ऊपर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। बंधन बैंक के ऊपर मेरे ख्याल से करीबन 230 के आसपास के लक्ष्यांक है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और जहां तक आरबीएल बैंक का सवाल है डिम्पी, जो नतीजे आंकड़े निराशा, देखिए इसकी बुक को लेकर के चिंता पहले से ही थी। ऐसा नहीं है डिम्पी के ये इस तिमाही में नतीजे इस प्रकार के आए हैं। क्या इस भाव से आगे जा करके सुधार हो सकता है? तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सुधार को देखने के लिए दोनों ही बैंकों में आपको मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि ये जो सुधार की प्रक्रिया और गति है डिम्पी, इसको समय लगेगा क्योंकि आंकड़े ऐसे हैं। अगर इस प्रकार के आंकड़े हो तो आप ये अनुमान लगा करके निवेश नहीं कर सकते हैं कि 3-6 महीने में या साल भर में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखेगा और एकदम से आपका ग्रॉस और नेट एनपीए एक के नीचे आ जाएगा, जो कि इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड और नॉर्म है। तो जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं डिम्पी, जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है और समय सीमा अनिवार्य जैसे मैंने किया कम से कम 1.5-2 साल है, तो मेरे ख्याल से इसमें आप निवेश करें। इस सुधार होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा समय लगेगा।